अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद गोरक्ष प्रांत का 61वां प्रांत अधिवेशन 17 से 19 दिसंबर को योगी राज बाबा गंभीरनाथ प्रेक्षागृह एवं सांस्कृतिक केंद्र में आयोजित किया जाएगा, जिसके संबंध में मीडिया से रूबरू होते हुए परिषद की प्रांत अध्यक्ष प्रोफेसर सुषमा पांडे ने बताया कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के 3 दिवसीय सम्मेलन में राष्ट्रीय मंत्री गजेंद्र तोमर, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली के महानिदेशक डॉक्टर संजय द्विवेदी और भारतीय महिला पहलवान बबीता फोगाट शिरकत करेंगी। अधिवेशन में गोरक्ष प्रांत के सभी 16 जिलों में 750 से अधिक छात्र छात्राएं प्रतिभाग करेंगे। उन्होंने बताया कि प्रांत अधिवेशन के अंतर्गत आयोजित खुला अधिवेशन में मुख्य 4 विषयों सेवा, कार्य, विकास के पथ पर अग्रसर पूर्वांचल, चौरी चौरा क्रांति, महिला स्वावलंबन तथा पर्यटन के क्षेत्र में उभरता पूर्वांचल पर प्रतिनिधि भाषण के माध्यम से अपने विचार प्रस्तुत करेंगे। अधिवेशन में स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूर्ण होने पर अमृत महोत्सव आधारित एक प्रदर्शनी लगाई जाएगी, जिसमें विद्यार्थियों को आज़ादी के नायकों द्वारा देश के लिए किए गए कृतज्ञों के से परिचित कराया जाएगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के प्रांत अध्यक्ष प्रोफेसर सुषमा पांडे ने कहा, मैं प्रोफेसर सुषमा पांडे वर्तमान में प्रांत अध्यक्ष गोरक्ष प्रांत अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद गोरक्ष प्रांत अपना 61वां प्रांतीय अधिवेशन का आयोजन बहुत ही उल्लास के साथ एक उत्सव के रूप में 17, 18, 19 तारीख को गुरु गंभीरनाथ प्रेक्षागृह में, जो नौका विहार में, उसमें आयोजित करने जा रहा है। मैं आप सभी को ये बताना चाहती हूँ कि इस 3 दिवसीय प्रांतीय अधिवेशन में हमारे सभी प्रांत के सभी जिलों से लगभग 750 शिक्षक एवं विद्यार्थी प्रतिभागी के रूप में प्रतिभाग करेंगे। इसमें हम राष्ट्र की सुरक्षा, संस्कृति, शिक्षा जैसे मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। इसमें मुख्य रूप से इस अधिवेशन में हमारे मध्य रहेंगे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय मंत्री गजेंद्र तोमर जी, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली के महानिदेशक डॉक्टर संजय द्विवेदी जी एवं भारतीय पहलवान बबीता फोगाट जी की रहेंगी। इस 3 दिवसीय अधिवेशन में प्रांत के सभी 16 जिलों से प्रतिभागी प्रतिभाग करने के लिए आ रहे। मैं आपको बता दूं कि कल 17 तारीख को शाम से हमारा ये अधिवेशन प्रारंभ हो जाएगा और प्रतिभागी हमारे कल शाम तक यहाँ सभी पहुँच जाएंगे। बहुत धूमधाम के साथ हम कल अपना पहला दिन इसको हम समर्पित कर रहे हैं अमृत महोत्सव को, और उस अमृत महोत्सव को जो विश्व में भारत ने एक बड़े लोकतंत्र के रूप में अपने आप को स्थापित करते हुए 75 वर्ष का जो लंबा समय यात्रा तय की है, उसकी खुशी में हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाते हुए अपने देश के नायकों, शहीदों को अपनी प्रदर्शनी को समर्पित कर रहे हैं। उनकी कहानी पर आधारित हमारी प्रदर्शनी होगी। इसके अतिरिक्त पूर्वांचल के जो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, इस पर आधारित होगी। इसके अतिरिक्त आजमगढ़ से हमारे यहाँ एक जो वाराणसी में मुबारकपुर की साड़ियों का प्रदर्शनी होगी, गीता प्रेस की पुस्तकों की प्रदर्शनी होगी। इस प्रकार के अनेक प्रदर्शनी जो विद्यार्थियों के लिए बहुत उपयोगी, उनका भी हम प्रदर्शन कल ही प्रदर्शनी के साथ हम प्रारंभ कर देंगे। और ये हमारी 3 दिन का जो अधिवेशन है, इसमें जो हमारा एक मुख्य आकर्षण और है, वो हमारे 8 सत्र चलेंगे, उसमें एक खुला अधिवेशन है जब हम पूरे महानगर के समक्ष भव्य और एक साध्य तरीके से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद अपने आप को प्रदर्शित करते हुए यहाँ के जो सड़क हैं उसमें हमारे प्रतिभागी देश के लिए, देश की आज़ादी के लिए और देश की एकता और अखंडता के लिए नारा लगाते हुए जो है ये पूरा खुला अधिवेशन में आएंगे, जिसमें मुख्य रूप से हम अपने चार से पांच हमारे उसमें भाषण होंगे। उसमें से एक होगा हमारा पूर्वांचल का आज़ादी में योगदान, दूसरा ये कि यहाँ पर स्वास्थ्य की सुविधाएं, फिर कोरोना में हमारे द्वारा किए गए सेवा कार्य। इस प्रकार से हमारे तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिस पर भाषण हमारे खुले अधिवेशन में होगा, और ये खुला अधिवेशन हम
नौका विहार में करने वाले हैं। और दूसरा ये कि एक हमारा और जो प्रमुख इसमें कार्य है कि हम सरकार के समक्ष एक प्रबुद्ध नागरिक के रूप में हम अपने युवाओं को तैयार करते हैं जो लोकतंत्र में अपनी एक अच्छी भागीदारी निभाएं। इसको ध्यान में रखें हम 4 प्रस्ताव भी पारित करेंगे, वो प्रस्ताव बनके तैयार हैं। एक प्रस्ताव हमारा हमारा रहेगा प्रांत प्रदेश की वर्तमान स्थिति पर, और दूसरा हमारा होगा प्रदेश में शिक्षा की वर्तमान स्थिति, ये है। उसके साथ में हम हमारे पूर्वांचल में खेल के अवसर और पूर्वांचल में रोजगार के अवसर, इस पर हम यहाँ पर सरकार के द्वारा किए गए कार्य और जो और अच्छे कार्य किए जाने की आवश्यकता है उस पर सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए युवाओं के द्वारा हमने प्रस्ताव यहाँ पर चर्चा कराएंगे उन प्रस्तावों पे, और फिर पारित करके सरकार के समक्ष उसको हम रखेंगे। तो इस प्रकार से हमारा ये पूरा का पूरा अधिवेशन पूर्णतया अकादमिक, हमारे सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य, हमारे राजनीतिक परिप्रेक्ष्य और साथ में राष्ट्र की सुरक्षा संरक्षा और युवाओं की भूमिका को संदर्भित करने वाला सिद्ध होने वाला है। ये एक अत्यंत महत्वपूर्ण हमारा प्रांतीय अधिवेशन, हमारा एक अत्यंत महत्वपूर्ण उत्सव है जिसे हम बहुत ही खूबसूरती के साथ हर वर्ष मनाते हैं। और इसके बाद हम जबलपुर में राष्ट्रीय अधिवेशन के लिए भी हम सभी जाएंगे, उसके पूर्व हम प्रांतीय अधिवेशन अपना कर रहे हैं और इसमें आगे के लिए हम अपने प्रतिनिधियों का भी चयन करते हैं जिससे कि हमारे आगे का जो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का जो प्रशासनिक और अकादमिक कार्य है उसका संचालन अच्छे तरीके से हो सके। तो मैं इस महानगर के सभी जितने हमारे प्रतिनिधि हैं जो इसमें आ रहे हैं प्रतिभाग करने के लिए, उनकी ओर से महानगर तथा प्रांत के सभी नागरिकों का आह्वान करती हूँ कि आप सभी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सदस्य बने और हमारे जो देश के निर्माण में हम अपनी आहुति दे रहे हैं उस आहुति में हमारे साथ मिलकर देश को मजबूत और अखंड बनाए रखने में हमारा सहभाग करें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और हमारे प्रांतीय अधिवेशन को जरूर सफल बनाएं।